हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th की मैथ्स के बोर्ड के फास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 40 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स इन द इन इट। यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो फाइंड आउट करने बोर्ड के एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 है, और फ्रीक्वेंसी 8, 10, 16, 12, 6, 7। ओके, यहाँ पे तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको गिवन है उसका एक टेबल बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी fi। ओके, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख देते 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60 to 70। यहाँ पे मोस्ट आपको जो 31 आपको जो है ना, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले मोड और मीडियन वाले क्वेश्चन है तो उसमें आपको देखने का मीडियन, यहाँ पे आपको मोड का है तो मोड कितना गिवन है, मोड इज इक्वल टू 36 के बीच में आ रहे नंबर, बोलो 36 यानी कि 30 और 40 के बीच में आएगा। इसको आप अपना मॉडल क्लास बना लो। और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी भी वही है मॉडल क्लास आपका। नाउ इसको F1 कहेंगे, इसको F0 कहेंगे और इसको F कहेंगे। तो यहाँ पे आपके F1 is equal to 6 है, F2 is equal to X है, F2 is equal to L है, और L is equal to 30 है, H यानी कि 10 है, तो mod is equal to, mod is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। mod कितना है 36, L कितना है, L यानी कि 30 प्लस F1 16 माइनस X अपॉन 16 प्लस 32 माइनस X माइनस 12 इनटू H 10। समझ गए, तो 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 16 माइनस X अपॉन 32 माइनस करोगे तो 20 माइनस X इनटू 10। यहाँ पे इनटू 10 को सामने किस साइड क्या होगा, डिवीजन में जाएगा, बनने के लिए 6 डिवाइड बाय 10 इक्वल 16 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स, 6 अपॉन 10 होगा तो 0.6 होगा इनटू 20 माइनस 16 माइनस एक्स। यहाँ पे 20 इनटू 6 और कितना होगा, 3 to the 6 to the 10। ओके, तो यहाँ पे 1 to 1 होगा माइनस 0.6 fc माइनस माइनस 0.6 है वो सामने जाएगा, बस क्या होगा 1 2। ઈ 8 સ્ટાન્ડર્ડ માટે છે ને બેચ ગોઠવવાની થાય તો એટલે ઈ તો હજી એને મારા ઉપર ફોન આવ્યો તો ગોઠવવાનો, એટલે પૂછી તો એમ કીધું કેમ થાય એ રીતે। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 16 है ना, उसको उस साइड हम ले जाते हैं 12 को, तो क्या होगा 16 माइनस 12 होगा, और यहाँ पे माइनस वन एक्स है वो इस साइड आएगा, तो क्या होगा 1x माइनस 0.6x 16 माइनस 12, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, और यहाँ पे कितना होगा 0.4x। ओके, 1 माइनस 0.6 तो 0.4x मिलेगा। So, x is equal to 0.4 सामने की साइड जाएगा, तो 4 upon 0.4, 0.4 यानी कि 4 upon 10 होता है। okay? तो डिनोमिनेटर में 10 है, ऊपर चला जाएगा 10, 4 कैंसिल, तो x is equal to
जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी वो हमें क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।